नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी होम पर। दोस्तों, इम्पोर्टेंट नोट्स के इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कक्षा 9 के इतिहास के पाठ 3 के बारे में, जिसका नाम है नाथसीवाद और हिटलर का उदय। तो आइए शुरुआत करते हैं मुख्य बिंदुओं से। पहला प्रश्न है, हिटलर के विचार किन दार्शनिकों के विचारों पर आधारित थे? तो हिटलर के विचार आधारित थे चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर के विचारों पर। अगला है, 30 जनवरी 1933 को जर्मनी के किस राष्ट्रपति ने हिटलर को चांसलर का पद संभालने का न्योता दिया? तो ये न्योता दिया था राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने। अगला प्रश्न है, नाथसी शासन में कुल कितने किस्म के लोगों को अपने दमन का निशाना बनाया? तो इसका उत्तर है 52 किस्म के लोगों को। द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर ने सबसे बड़ी भूल क्या की? तो सबसे बड़ी भूल थी सोवियत संघ पर हमला करना, हिटलर की ऐतिहासिक बेवकूफ़ी मानी जाती है। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी का साथ किन किन देशों ने दिया, इन्हें क्या कहा जाता है? तो जर्मनी का साथ दिया था जर्मनी, इटली और जापान, ये साथ में थे और इनको धुरी राष्ट्र कहा जाता है। किन देशों को मित्र राष्ट्र कहा जाता है? मित्र राष्ट्र कहा जाता है फ्रांस, इंग्लैंड और रूस को। हिटलर ने आर्थिक संकट से निकलने के लिए कौन सा विकल्प चुना? हिटलर ने आर्थिक संकट से निकलने के लिए युद्ध का विकल्प चुना। घेटो या दड़बा किसे कहा जाता था? यहूदी बाकी समाज से अलग बस्तियों में रहते थे, जिन्हें घेटो या दड़बा कहा जाता था। नवंबर का अपराधी कहकर किसे बुलाया जाता था? वाइमर गणराज्य के समर्थकों को नवंबर का अपराधी कहकर बुलाया जाता था। नाथसीवाद क्या है? यह एक संपूर्ण व्यवस्था और विचारों की पूरी संरचना का नाम है, जिसका जनक हिटलर को माना जाता है। जर्मन साम्राज्य में यह एक विचारधारा की तरह फैल गई थी, जो खास तरह की मूल्य मान्यताओं, एक खास तरह के व्यवहार से संबंधित था। अगला प्रश्न है, नाथसियों का विश्व दृष्टिकोण क्या था? इसका उत्तर है, सभी समाजों का जर्मन साम्राज्य में बराबरी का हक नहीं था। वे नस्लीय आधार पर या तो बेहतर थे या कमतर थे। उनका मानना था कि जर्मन आर्य सबसे उच्च कोटि की नस्ल हैं और इन्हें ही जीने का हक है, बाकी किसी को जीने का हक नहीं है, अतः इन्हें मौत के घाट उतार दिया जाए। दूसरा, उनकी दूसरी दृष्टिकोण जीवन परिधि की भू राजनीतिक अवधारणा से संबंधित था। उनका मानना था कि अपने लोगों को बसाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों पर कब्जा करना जरूरी है। उनका मानना था कि युद्धों से जर्मन राष्ट्र के लिए संसाधन, धन और बेहिसाब शक्ति इकट्ठा किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, हिटलर का उदय कब और कैसे हुआ? हिटलर ने 1919 में वर्कर्स पार्टी की सदस्यता ली और धीरे धीरे उसने इस संगठन पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। फिर उसे सोशलिस्ट पार्टी का नया नाम दिया। यही पार्टी बाद में नाथसी पार्टी के नाम से जानी गई। महामंदी के दौरान जब जर्मन अर्थव्यवस्था जर्जर हो चुकी थी, काम धंधे बंद हो रहे थे, मजदूर बेरोजगार हो रहे थे, जनता लाचार और भुखमरी में जी रही थी, तो नाथसियों ने प्रोपेगेंडा के द्वारा एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाकर अपना नाथसी आंदोलन चमका लिया और इसी के बाद चुनावों में 32% वोट से हिटलर जर्मन का चांसलर बना। अगला प्रश्न है, हिटलर की राजनीतिक शैली कैसी थी या हिटलर की राजनीतिक शैली का वर्णन कीजिए? तो इसका उत्तर है, हिटलर की राजनीतिक शैली में निम्नलिखित बातें सम्मिलित थीं। नंबर एक, वह लोगों को गोल बंद करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन करने में विश्वास रखता था। दूसरा, वह लोगों का भारी समर्थन दर्शाने और लोगों में परस्पर एकता की भावना पैदा करने के लिए बड़े बड़े रैलियाँ और सभाएँ करता था। नंबर तीन, स्वास्तिक छपे लाल झंडे, नाथसी सैल्यूट का प्रयोग करता था और भाषण खास अंदाज में दिया करता था। भाषणों के बाद तालियां भी खास अंदाज ने नाथसी लोग बजाया करते थे। अगला है, चूंकि उस समय जर्मनी भीषण आर्थिक और राजनीतिक संकट से गुजर रहा था, इसलिए वह खुद को मसीहा और रक्षक के रूप में पेश कर रहा था, जैसे जनता को इस तबाही से उबारने के लिए अवतार लिया हो। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कैसे हुआ? तो इसका उत्तर है, जब द्वितीय विश्व युद्ध
युद्ध में अमेरिका कूदा तो धुरी राष्ट्रों को घुटने टेकने पड़े। इसके साथ ही हिटलर की पराजय हुई और जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर अमेरिका के बम गिराने के साथ द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया। वाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्याएं थीं? तो वाइमर गणराज्य के सामने निम्नलिखित समस्याएं थीं। नंबर एक, युद्ध में पराजय और राष्ट्रीय अपमान और हार जाने के लिए इसी को दोषी ठहराया गया। गणराज्य के समर्थकों को नवंबर का अपराधी कहकर उनका मजाक उड़ाया जाता था। रूस की बोल्शेविक क्रांति की तरह ही जर्मनी में स्पार्टकिस्ट लीग द्वारा विद्रोह की योजना बनाई गई। इसे वाइमर गणराज्य ने विफल तो कर दिया, परंतु जर्मनी के साम्यवादी और समाजवादी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब कर्ज और हर्जाना चुकाने से मना कर दिया तो फ्रांस ने उसके बहुत से आर्थिक क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। 1923 में इस गणराज्य को आर्थिक संकट इस कदर झेलने पड़े कि उसके मुद्रा की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफ़ी कम हो गई और कर्ज और महंगाई मुद्रास्फीति काफ़ी बढ़ गई, जिससे निपटने के लिए उसे अमेरिका से आर्थिक मदद के रूप में कर्ज के रूप में लेनी पड़ी। अब अभ्यास प्रश्न में वाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्याएं थीं, तो इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। इस बारे में चर्चा कीजिए कि 1930 तक आते आते जर्मनी में नाथसीवाद को लोकप्रियता क्यों मिलने लगी। तो इसका उत्तर है, 1929 के बाद बैंक दिवालिया हो चुके थे, काम धंधे बंद होते जा रहे थे, मजदूर बेरोजगार हो रहे थे और मध्य वर्ग को लाचारी और भुखमरी का डर सता रहा था। नाथसी प्रोपेगेंडा में लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई जा रही थी। धीरे धीरे एक जन आंदोलन का रूप लेता गया और जर्मनी में नाथसीवाद को लोकप्रियता मिलने लगी। हिटलर एक ज़बरदस्त वक्ता था, उसका जोश और उसके शब्द लोगों को हिलाकर रख देते थे। वह अपने भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना वर्साय संधि में हुई नाइंसाफी जर्मन समाज को खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का आश्वासन देता था। उसका वादा था कि वह बेरोजगारों को रोजगार और नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य देगा। उसने आश्वासन दिया कि वह देश को विदेशी प्रभाव से मुक्त कराएगा और तमाम विदेशी संस्थाओं का मुंह तोड़ जवाब देगा। आगे प्रश्न है, नाथियों ने जनता पर पूरा नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए। तो नाथियों ने जनता पर पूरा नियंत्रण हासिल करने के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए। नंबर एक, हिटलर ने राजनीति की एक नई शैली रची थी। वह लोगों को गोलबंद करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन की अहमियत समझता था। हिटलर के प्रति भारी समर्थन दर्शाने और लोगों में परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए नाथियों ने बड़ी बड़ी रैलियां और जनसभाएं आयोजित कीं। स्वास्तिक छपे लाल झंडे, नाथी सैल्यूट और भाषणों के बाद खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट, ये सारी चीज़ें शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा थीं। नाथियों ने अपने धुआंधार प्रचार के जरिए हिटलर को एक मसीहा, एक रक्षक, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश किया जिसको मानव जनता को तबाही से उबारने के लिए अवतार लिया हो। एक ऐसे समाज को यह छवि बेहद आकर्षक दिखाई देती थी जिसकी प्रतिष्ठा और गर्व का एहसास चकनाचूर हो चुका था और जो एक भीषण आर्थिक और राजनीतिक संकट से गुजर रहा था। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र को ध्वंस करने के लिए हिटलर और नाथियों ने क्या कदम उठाए। इसका उत्तर है, 28 फरवरी 1983 को अग्नि अध्यादेश यानी फायर डिक्री के जरिए अभिव्यक्ति, प्रेस और सभा करने की आज़ादी जैसे अधिकारों को निलंबित कर दिया गया। दूसरा, कम्युनिस्टों का बर्बरतापूर्वक दमन किया गया, उनकी हत्याएं करवाई गईं। सभी राजनीतिक विरोधियों और गैर नाथियों की हत्याएं की गईं या उन्हें यातना गृह भेज दिया जाता था। नाथसी पार्टी तथा उसके संगठनों के अतिरिक्त सभी पार्टियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। समाज पर निगरानी और नियंत्रण के लिए विशेष निगरानी और सुरक्षा दस्ते गठित किए गए। अब अगला प्रश्न है, जर्मनी में आए 1923 के आर्थिक संकट पर टिप्पणी लिखिए। इसका उत्तर है, नंबर एक, प्रथम विश्व युद्ध कर्ज लेकर लड़ा गया। नंबर दो, जर्मनी को हर्जाना भी स्वर्ण मुद्रा में देना पड़ा।
नंबर तीन, बड़ी मात्रा में कागजी मुद्रा छापने से जर्मनी में अति मुद्रा स्फीति आ गई, वहाँ की मुद्रा मार्क की कीमत गिर गई, महंगाई बहुत बढ़ गई। इस आर्थिक संकट से उभरने के लिए उसे अमेरिका से शर्तों पर आर्थिक सहायता लेनी पड़ी। जर्मनी का कर्ज और हर्जाना ना चुकाए जाने पर फ्रांसीसियों ने जर्मनी को प्रमुख औद्योगिक इलाके पर कब्जा कर लिया और उसके कोयले के भंडार क्षेत्र पर भी कब्जा कर लिया। अगला प्रश्न है, जर्मनी में वाइमर गणराज्य की स्थापना के क्या कारण थे? वाइमर गणराज्य की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय और सम्राट के त्यागपत्र के पश्चात वहाँ की संसदीय पार्टियों ने एक नई राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना की, यही वाइमर गणराज्य था। इसकी विशेषताएं थी, नंबर एक, यह एक संघीय और लोकतांत्रिक गणराज्य था जिसका एक लोकतांत्रिक संविधान भी था। दूसरा, इसमें प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए औरत सहित सभी वयस्क नागरिकों के समान और सार्वभौमिक मताधिकार प्राप्त था। इसमें आनुपातिक चुनाव प्रणाली की व्यवस्था थी। धारा 48 के अंतर्गत राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने, नागरिक अधिकार रद्द करने और अध्यादेश जारी करने का अधिकार था। नाथसी जर्मनी में बच्चों और युवाओं के प्रति अपनाई गई नीति का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है, नंबर एक, बच्चों के लिए नाची विचारधारा की जानकारी आवश्यक थी। उन्हें कठोर अनुशासन में रखकर इसकी शिक्षा दी जाती थी। अवांछित बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया। जो बच्चे नाची टेस्ट में पास हो जाते थे उन्हें पाला जाता था और जो अवांछित थे उन्हें अनाथालय में भी डाल दिया जाता था। नाची शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम तैयार किया गया और उन्हें उसी पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा दी जाती थी। उन्हें यहूदियों से नफरत और हिटलर की पूजा करने को कहा जाता था। खेलकूद के जरिए भी युवाओं में हिंसा और आक्रामकता की भावना पैदा की जाती थी। जर्मन बच्चों और युवाओं को राष्ट्रीय समाजवाद की भावना से लैस करने की जिम्मेदारी युवा संगठनों को सौंपी गई थी। इसके बाद उन्हें सेना में काम करना पड़ता था और किसी नाथसी संगठन की सदस्यता लेनी पड़ती थी। नाथसियों द्वारा यहूदियों के साथ कैसा बर्ताव किया गया? नाथियों द्वारा यहूदियों के साथ किया गया बर्ताव इंसानियत की हद से भी कहीं बुरा और बर्बरतापूर्ण था। यहूदियों पर जुल्म की दास्तान कई चरणों में है जो निम्न है। नंबर एक, पहले तो यहूदियों को जर्मनी की नागरिकता से बेदखल किया गया। फिर उनसे कहा गया कि उन्हें जर्मनों के बीच रहने का कोई अधिकार नहीं है। कई कानूनी उपाय कर उन्हें सरकारी सेवाओं से निकाला गया। उनके व्यवसाय का बहिष्कार हुआ और उनकी संपत्ति जब्त कर बिक्री कर दी गई। उनके संपत्तियों को लूटा गया और उनके घर जला दिए गए। सितंबर 1941 यहूदियों को हुक्म दिया गया कि वह डेविड का पीला सितारा अपनी छाती पर लगा कर रखेंगे। उनके पासपोर्ट, तमाम कानूनी दस्तावेजों और घरों के बाहर भी यह पहचान चिन्ह छुपा दिया गया। उन्हें घेटो बस्तियों में कष्टपूर्ण और दरिद्रता की स्थिति में रखा जाता था। समूचे यूरोप के यहूदी मकानों, यातना गृहों और घेटों बस्तियों में रहने वाले यहूदियों को मालगाड़ियों में भार भरकर मौत के कारखानों में लाया जाने लगा। उन्हें गैस चैम्बरों में झोंक दिया। दोस्तों, अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने एडोल्फ हिटलर को क्या नसीहत दी? तो इसका उत्तर है, महात्मा गांधी ने एक पत्र के माध्यम से एडोल्फ हिटलर को नसीहत दी कि हमें अहिंसा के रूप में एक ऐसी शक्ति प्राप्त हो गई है जिसे यदि संगठित कर लिया जाए तो वह संसार भर की प्रबलतम हिंसात्मक शक्तियों के गठजोड़ का मुकाबला कर सकती हैं। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स कौन था? उसके विचारों का 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति पर क्या असर पड़ा? तो कार्ल मार्क्स एक जर्मन यहूदी था जो इंग्लैंड में रहता था। वह एक विचारक था तथा उसके विचारों का प्रभाव रूस ही नहीं अब तो पूरे विश्व की जनता पर पड़ा। उसने अपने विचारों को अपनी पुस्तक दास कैपिटल में लिखा। उसके विचारों का सीधा असर रूस के समाजवादियों पर पड़ा। उन्होंने उसके विचारों को अपनी आंदोलनों में शामिल कर लिया। उनके विचार इस प्रकार थे, नंबर एक, किसी के पास निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए क्योंकि निजी संपत्ति पूंजीवाद की जननी है। पूंजीपति लोग अपने लाभ को प्राप्त करने के लिए मजदूरों का शोषण करते हैं। नंबर तीन, संसार भर में उत्पादन के साधनों पर किसानों और मजदूरों का हक होना चाहिए तथा उन्हें शोषण से मुक्ति मिल सकती है।
शांतिपूर्ण ढंग से पूंजीवाद नहीं मिट सकता, इसके लिए हड़ताल और क्रांतियां आवश्यक हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।